अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं निगाह मोहम्मद और आप देख रहे हैं पीएसएल हंगामा। पीएसएल हंगामा में आज हम बात करेंगे एक मैच जो खेला जाएगा, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर। सबसे पहले अपने गेस्ट का तारुफ करवाता चलूँ, मेरे साथ मौजूद हैं अली। अली कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप बताएं। अच्छा, आज का मैच पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर, कैसा मैच देख रहे हैं आप? बस पेशावर को और लाहौर कलंदर के बैंडक की चीखम से बचना है, बाकी तो सब सही है। अच्छा, वैसे ओवरऑल अगर हम टीम को अगर ऑन पेपर थोड़ा सा डिस्कस करें आज के मैच के लिए, तो आपके ख्याल में दोनों टीमें स्ट्रॉन्ग हैं या आप थोड़ा पेशावर को ज़्यादा मार्जिन देंगे या लाहौर को? नहीं, इस वक्त किसी अगर ऑन पेपर की बात करें तो दोनों टीमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और किसी को इस वक्त मार्जिन नहीं दे सकता, क्योंकि लाहौर कलंदर्स पिछले जो मैचेस खेलती हुई आ रही है, जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। और पेशावर ज़ल्मी तो वैसे ही उनकी बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप दोनों तरीके से वो स्ट्रॉन्ग है, तो किसी को मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है, सख्त मुकाबला होगा। अच्छा, वैसे हम अगर कहते हैं बैटिंग डिस्कस करें पेशावर ज़ल्मी की, तो शुरू के जो बैट्समैन हैं हमें देखने में आया कि रन कर रहे हैं, और अब तो ये भी है कि शुएब मलिक भी रन करना स्टार्ट कर दिया है। हम ओपनर की बात करें तो लास्ट दो मैचेस में कामरान अकमल और इमाम को ओपनर ऐसा खिला रहे हैं। कामरान अकमल तो चलें समझ में आता है, लेकिन कामरान अकमल की भी अब वो फॉर्म नज़र नहीं आ रही है जो लास्ट कुछ शुरू के कुछ मैचेस में हमने देखी थी, जब उन्होंने 100 भी किया, 43 किए, 34 किए। अब 34-30 ये कामरान के लिए इनफ है, उनको लंबी बारी खेलनी पड़ेगी? नहीं, जिस तरीके से उनकी पुरानी पीएसएल की परफॉर्मेंस है और वो हाईएस्ट कुछ सेंचुरीज़ हैं उनके पास पीएसएल की, तो उन्हें तो अपनी टीम के लिए ज़्यादा स्कोर करना चाहिए मेरे हिसाब से, और 50 प्लस तो उनका स्कोर हम हर इनिंग में मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के वो परफॉर्मर हैं और ख़ासकर पीएसएल जैसी फ्रेंचाइज में वो जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो कामरान अकमल को तो लंबी इनिंग खेलनी चाहिए। अच्छा, उसके साथ साथ फिर कामरान अकमल का एक फिर हमने जो क्या कहते हैं बहुत वीक पॉइंट है उनकी विकेट कीपिंग, ये मतलब कि एक प्लेयर के साथ कभी कभार हो जाता है, क्योंकि कामरान अकमल जिस तरीके के कैचेस छोड़ते हैं ना, वो मतलब कि विकेट कीपर से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप भागते हुए जा रहे हैं, आपके ग्लव्स में बॉल है ईजी और आप उसको ड्रॉप कर दें, तो ये इनसे मतलब के हो जाता है, मैच का हिस्सा है या ये इनका थोड़ा वीक पॉइंट है? पाकिस्तानी फील्डर है, कुछ भी हो सकता है इनके साथ। तो कामरान अकमल है, इनके साथ भी कुछ भी हो सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं ना, इनको जब सेंचुरी मारनी हो तो मार देते, नहीं मारनी हो तो 30 भी नहीं कर पाते। अच्छा, इसके साथ साथ इनके इमाम जो हैं लास्ट दो मैचेस से ओपनर आ रहे हैं, ऑल्दो वो रन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस मैच में आपका ख्याल है चांस देना चाहिए या आप समझते हैं कि इमाम को नहीं देना चाहिए चांस? देखिए, अगर इमाम की मैं बात करूं तो आज के मैच में शायद वो मुफीद रहेंगे पेशावर ज़ल्मी के लिए, क्योंकि आज समित पटेल सामने हैं और साथ में मास खान लेग स्पिनर भी मौजूद हैं, लेकिन अगर इमाम की पुरानी परफॉर्मेंस देखें और T20 की स्ट्राइक रेट वगैरह एवरेज पे नज़र डालें, तो इमाम की वो ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है, और अगर आज उनको उन टीम में लेते हैं तो उनको अपनी टीम के लिए हद से ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा, इमाम की जगह इनके पास एक और लेफ्ट आर्म बैट्समैन है और बड़े टेक्निकल साउंडेड बैट्समैन हैं, उमर अमीन। तो आप समझते हैं कि उमर अमीन को भी चांस देना चाहिए अब, क्योंकि अब तो ऑल्दो दो ही मैच रह गए इनके, और उमर अमीन भी मतलब कि एक आपके अच्छे बैट्समैन हैं, 8 मैचेस हो गए आपके, अभी तक आपने उसको ट्राई नहीं किया, तो आपका ख्याल है कि उमर अमीन को भी चांस मिलना चाहिए? देखिए, अब जो जिस पोजीशन पे आप पहुंच चुके हैं और आपको क्वालिफायर्स के बिल्कुल नज़दीक हैं, आपका थर्ड राउंड शुरू हो चुका है, तो अभी नए बैट्समैन को आजमाना इस वक्त आपकी अप्रोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस टीम से आप पिछले मैच खेलते हुए आ रहे हैं और उनको इतना कॉन्फिडेंस है, उनको मालूम है पिच किस तरीके से बॉलर्स जो सामने हैं वो पहले उनको फेस कर चुके हैं, तो उमर अमीन की इंक्लूजन पे शायद कोई सवाल निशान हो सकता है। अच्छा, तो जाहिर सी बात है एक जगह पर जब उमर रखते हैं इमाम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो आप एक तीसरा बंदा डाल लेंगे और वो भी परफॉर्म नहीं करेगा, तो एक ही बात हो जाएगी, इसमें घबराने वाली क्या बात है? मेरे ख्याल से तो उनकी इंक्लूजन होना चाहिए उमर अमीन की, क्योंकि आप जब एक प्लेयर को आपने खरीदा है, लिया है, एटलीस्ट उसको टेस्ट तो कर लें आप, चलें ये तो नहीं होगा। अब पिछले दो मैच में आपने इमाम को देखा फेल हुए, नहीं रन कर सके, तो इस मैच में आप किसी और को चांस देते हैं? अब ये तो नहीं है कि इस मैच में क्या कहते हैं इमाम खिलाएंगे तो लाजमी रन करेंगे। खैर, ये तो एक डिबेट है और मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ कि आज जो है इमाम को खिलाना चाहिए, नहीं जी, उमर अमीन को खिलाना चाहिए। और इनके बाद इनके प्लेयर्स पे हम आते हैं, हैदर है, फिर क्या कहते हैं टॉम बेंटन है, टॉम बेंटन पहले आते हैं फिर हैदर आते हैं,
तो टॉम बेंटन और हैदर, टॉम बेंटन की पहले बताएं, आपको लगता है कि आज के मैच में होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है वो मतलब कि बैटिंग अच्छी करते हैं, बड़े लंबे छक्के भी लगाते हैं, तो आप समझते हैं होना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं हिसाब से टॉम बेंटन की इस दफ़ा की इस मैच की इंक्लूजन बहुत लाजमी है, क्योंकि सामने लाहौर कलंदर्स है और ये मैच जिस कंडीशन में ये लोग खड़े हुए हैं तो उनको तो मैच जीतना लाजमी है। और टॉम बेंटन की जिस तरीके का उनका एक्सपीरियंस है T20 का, उनकी एवरेज, उनकी स्ट्राइक रेट, तो मेरे हिसाब से तो टॉम बेंटन को इस मैच में हद से ज़्यादा परफॉर्म भी करना है और उनकी इंक्लूजन आज के लिए लाजमी है। और इसके साथ साथ हैदर को कैसा देखते हैं आज आप? हैदर तो इस दफ़ा का इमर्जिंग प्लेयर है, बेहतरीन, मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन बैटिंग की किसी भी, और अगर आपको इमर्जिंग प्लेयर के नाम देखें तो हैदर अली की परफॉर्मेंस इस दफ़ा की सबसे अच्छी है। और बाकी तो पेशावर को लाजमी उनको रिटेन करना पड़ेगा आज के मैच में। अच्छा, इसके साथ साथ फिर इनके पास लिविंगस्टोन और शुएब मलिक हैं। लिविंगस्टोन सही परफॉर्म कर रहे हैं, बस गुजारा हो रहा है, लेकिन एक जो परफॉर्मेंस होती है ना एक फॉरेन प्लेयर से, जो नीड होती है कि एक इनिंग तो वो ऐसी खेले, लंबी खेले, अपनी टीम को जितवाए, अभी तक वो दिखाने में वो कासिर रहे हैं, तो आज का मैच कैसा है इनके लिए? देखिए, अगर आप मिडल ऑर्डर की बात करते हैं ना, तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ मिडल ऑर्डर भी एक स्ट्रेंथ है बैटिंग की, कि अगर आपके टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं करता तो मिडल ऑर्डर को परफॉर्म करना लाजमी है। तो अगर आपका, वैसे भी पेशावर ज़ल्मी का टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है और बीच के 2-3 मैचेस में शायद ऐसा हुआ कि वो परफॉर्म ना कर सके, और लियाम लिविंगस्टोन की मैं बात करूं तो उनकी जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी वो पिछले पीएसएल में वो काफ़ी बेहतर थी, और इस दफ़ा भी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे, जितना उनका हक है वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हाँ एक लंबी इनिंग्स की नीड ज़रूर है जो शायद आज के मैच में वो कर सकें। और फिर इसके बाद हैं द वन एंड ओनली शुएब मलिक, थोड़ा मतलब कि अब हल्के हो गए हैं, क्रिटिसिज्म उनके ऊपर से थोड़ा हट गया है, पिछले 2-3 मैचेस में परफॉर्म कर दिया है, तो 2 मैचेस तो बड़े अच्छे परफॉर्म करें उन्होंने, एक जितवाया अब तो, और फिर दूसरा जो है वो तकरीबन क्लोज ले गए थे, आज इनकी कितनी ज़रूरत पड़ेगी पेशावर ज़ल्मी को? शुएब मलिक की तो बात है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है इस तमाम पूरे पीएसएल में सबसे ज़्यादा उनकी एक मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक, जितने एक्सपीरियंस पाकिस्तानी प्लेयर्स में T20 का है वो शुएब मलिक हैं, और उनकी परफॉर्मेंस पिछले मैच की भी बहुत बेहतरीन है, तो शुएब मलिक इस दफ़ा भी यकीनन लाहौर कलंदर्स को एक अच्छा मुकाबला देंगे। अच्छा, इसके साथ साथ अगर फिर हम क्या कहते हैं अपोजिट की बॉलिंग की बात कर लें, लाहौर कलंदर के बॉलिंग की, डेविड वीज़र, शाइन आफरीदी, सलमान रिशाद, मास खान, दिलबर हुसैन, ये अमूमन जो है ये 5 बॉलर ये लोग खिलाते हैं, समित पटेल भी इनके साथ होते हैं। बॉलिंग लाहौर कलंदर की आपको इनफ लगती है? क्योंकि हमने देखा है लास्ट मैच में उन्होंने कराची किंग्स के खिलाफ काफ़ी रन दे दिए थे, तो आप समझते हैं कि बॉलिंग इनकी इनफ है या इनको थोड़ी सी और कंट्रोल करनी पड़ेगी बॉलिंग पे? नहीं, अगर लाहौर कलंदर की बॉलिंग की बात करूं तो जो आपका स्टार है शाहिन शाह आफरीदी, जिस तरीके के शुरू के मैचेस में परफॉर्मेंस दिखाता हुआ आ रहा है, वो इस दफ़ा उनकी, शाहिन आफरीदी की अब वो परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती हुई नज़र आ रही, क्योंकि उनको जो बॉलिंग जिस तरीके से वो हमेशा करते आ रहे हैं, इन भी करते हैं आउट भी करते हैं, उनका पेस भी अच्छा है, तो वो अब परफॉर्म नहीं करते आ रहे, उनकी इंक्लूजन इस दफ़ा के मैच में मेरे हिसाब से एक सवाल या निशान है। आपको क्या लगता है? शाहिन आफरीदी की इंक्लूजन पे बात कर रहे हैं आप, क्या हो गया आपको? मतलब कि एक ही तो बॉलर ढंग का नज़र आता है उनके पूरे स्क्वाड में मुझे। खैर, आपका अपना राय है लेकिन मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। मेरे ख्याल में शाहिन आफरीदी तो आपके मेन बॉलर हैं, वो आपकी टीम की समझ लें बैकबोन है बॉलिंग में, ऑल दो सलमान इरशाद भी अच्छी करते हैं, लेकिन शाहिन का एक रोल उन्होंने दिया हुआ है कि शाहिन जो है वो एक तो बॉल बहुत बड़ी जगह पे करता है, फिर रन कंटेन करता है, रन ज़्यादा नहीं देता है, कोशिश करता है कि लाइन टू लाइन बॉलिंग करे, उसमें उसको विकेट्स भी मिल जाती हैं, ऑल दो मतलब कि T20 में आपको मालूम है कोई बॉलर विकेट्स पे नहीं जाता है कि मैं विकेट्स लूँ, वो चाहता है कि डॉट्स जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डॉट्स हो सके वो करवाऊँ मैं, तो शाइन तो मेरे ख्याल में डॉट भी तो नहीं करा रहा आप, शायद देख नहीं रहे पुराने मैच। नहीं नहीं, देखें एक आध मैच तो होता है, अब वो बॉलर है अगर मतलब कि उन्होंने 7 मैच खेले हैं, 7 में से अगर 4 मैच अच्छे करवा दिए तो इसका मतलब है उसने अपना रोल प्ले कर दिया है। उसके साथ साथ फिर दूसरों को भी चाहिए, लाइक उस्मान है इनके पास, मेरे ख्याल से उस्मान की भी जगह बनती है, शाइन और उस्मान दोनों की जगह बनती है, उस्मान खान शनवारी। मेरा राय बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि मुझे नहीं लगता उस्मान की आज जगह बनती है। नहीं, उस्मान की, उस्मान एक बहुत मतलब के जो यंगस्टर में जो क्या कहते हैं अच्छी, जिन्होंने ज़्यादा मैचेस खेली हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, उस्मान उनमें से एक हैं, उस्मान खान शनवारी, तो उस्मान खान शनवारी को भी आज आपने इस्तेमाल करना है। उनका आज सबसे ज़्यादा होता है
एक आध मैच में होता है, नो डाउट आप सही कह रहे हैं, एक आध मैच में बैड लक होता है, बॉलर का बैड लक होता है, कभी कभी बैट्समैन का बैड लक होता है, कभी ओवरऑल आपकी टीम का बैड लक होता है। बैड लक से आपको लाहौर कलंदर याद आ रही होगी शायद, तो ये ऐसा होता है कभी कभार। लेकिन बॉलिंग साइड इनकी अगर मुझसे पूछें, ओवरऑल मुझे अच्छी लगती है, इनके पास कैपेबिलिटी है, ये किसी भी टीम को नीचे रोक सकते हैं कम रन पे। लेकिन बात वो है कि स्मार्ट प्ले ऑफ बॉलिंग यूज़, मतलब कि आपने स्मार्टली तरीके से बॉलिंग को यूज़ करना है, जो कि हमारे पास हमें थोड़ा सा कम नज़र आता है सुहेल अख्तर पे। ऑल्दो उनके लास्ट दो मैचेस जो हैं वो बैन डंक ने उनको जितवा दिए हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग ने कोई ऐसा रोल प्ले नहीं किया कि आप बोलें कि बॉलिंग की वजह से भी रन बच गए थे, फिर एंड में आके बैन डंक ने बचवाए। नहीं, बॉलर ने तो अपने तरीके से पूरी मार खाई थी, लेकिन वो तो बैन डंक ने आपको आके बचा लिया। लेकिन देखें, बात यहाँ पे हो रही है बॉलर की और बॉलर की कैपेसिटी की, ठीक है, बॉलर के पास कैपेसिटी है। अब कैप्टन को पता होना चाहिए कि उसको यूज़ कैसे करना है। जस्ट लाइक आप दो लेग स्पिनर भी खिला रहे हैं, मास खान समित पटेल, ठीक है, आप और दोनों लेग स्पिनर आपके बड़े कमाल के हैं। एक में समित पटेल ने जो क्या कहते हैं क्वेटा के खिलाफ जो मैच जितवाया, अनबिलीवेबल था। फिर उसके बाद लास्ट मैच में जो क्या कहते हैं मास खान ने बॉलिंग करी है, बहुत अमेजिंग थी। आपके पास दो लेग स्पिनर भी हैं, फिर आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑफ स्पिनर भी है मोहम्मद हफीज़, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें, आपके पास तीन बॉलर तो यही हो गए, चलें हफीज़ को आप पार्ट टाइम रख लें। फिर आपके पास शाइन होते हैं, डेविड वीज़ा होते हैं, सलमान इरशाद होते हैं, दिलबर हुसैन भी होते हैं, आप चार पांच बॉलर तो आप वैसे ही खिला लेते हैं। देखें, बात यह है कि आपको बॉलिंग यूज़ कैसे करनी है। अब जाहिर सी बात है, आपकी बिल्कुल बात सही है, क्योंकि किस वक्त पे किस बॉलर को खिलाना है वो बहुत ही एक अच्छा डिसीजन होना चाहिए, और सोए लगता है मेरे हिसाब से तो इसमें अच्छी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम क्या कहते हैं अब ज़रा अपोजिट करें, लाहौर कलंदर की बैटिंग को डिस्कस करें और फिर पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग को डिस्कस करें, तो लाहौर कलंदर की बैटिंग पे बैन डंक को हटा के बाकी बैटिंग में आपको जान नज़र आती है कि कोई दूसरा बंदा हो जो मैच जितवा सके? दूसरे बंदे में अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके की सुहेल अख्तर जब से ओपन आ रहे हैं और जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, और पिछले मैच में भी उन्होंने अपना कैप्टन इनिंग का रोल कैप्टन का रोल अदा किया बिल्कुल अच्छे तरीके से। बाकी आपकी ओपनिंग जो कि एक स्ट्रेंथ होती है बैटिंग लाइनअप की, फ़खर जमान बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, पूरे तमाम PSL के जितने भी अभी मैचेस हुए हैं जिन जिन में इनको मौका मिला वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आज फ़खर जमान को ड्रॉप करना लाजमी होगा और उनकी जगह क्रिस लाइन को खिलाना पड़ेगा आज। अच्छा, देखें फ़खर जमान को तो आप ड्रॉप करवा लें, उन पर तो कोई मसला नहीं है, उसके रिप्लेस पे आप किसको लाएंगे? उसके रिप्लेस पे अगर आप क्रिस लेन को लाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है आपको एक फॉरनर प्लेयर अपना और ड्रॉप करना पड़ेगा आगे जाके। अच्छा, मैं इसके हक में हूँ आप क्रिस लेन को खिलाएं, ये इसके मैं हक में हूँ, क्योंकि क्रिस लेन का ड्रॉप करना बनता नहीं है। आपने जितने भी मैचेस उनको खिलाए हैं उन्होंने एटलीस्ट रन किए हैं थोड़े बहुत, और जो अग्रेशन से रन किए हैं, जो अग्रेसिव तरीके से आके ओपनर एक रन करता है उसने उस तरीके से किए हैं। आपका ड्रॉप्स आप सही कह रहे हैं कि फ़खर जमान को करना बनता था, लेकिन आपने फ़खर जमान को एक मैच में ड्रॉप किया, सलमान को खिलाया सलमान बट को, सलमान बट ने परफॉर्म नहीं किया, आप दोबारा फ़खर जमान को लिया। अच्छा, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप फ़खर जमान को भी ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि एक में आपने ट्राई किया तो उधर कुछ भी नहीं हुआ। अब इसी तरीके से जैसे कि हम क्वेटा की बात करते हैं, क्वेटा के पास ऑप्शन बहुत हैं, क्वेटा अगर वॉटसन को ड्रॉप करे तो समझ में आता है, लेकिन लाहौर जो है वो क्रिस लेन को ड्रॉप करे ये समझ में नहीं आता, और लाहौर की मजबूरी है वो फ़खर जमान को ड्रॉप कर नहीं सकते, उनके पास पीछे कोई ऐसा इतना हार्ट हिटर ओपनर है नहीं जो आके रन करे। तो आपने फ़खर जमान को भी खिलाना है और क्रिस लेन को तो डालना ही है अपनी टीम में, क्योंकि देखिए क्रिस लेन एक ऐसा बैट्समैन है। अच्छा, क्रिस लेन के साथ अगर चलें आप एक एग्जांपल ले लें कि जी टीम मैनेजमेंट की ये सोच है कि क्रिस लेन जल्दी विकेट दे देते हैं तो टीम जो है वो पीछे से फिर कहते हैं सपोर्ट नहीं मिलती है, वो जल्दी से गिर जाती है, मतलब कि विकेट जल्दी जल्दी गिर जाती हैं। तो आप ये कर लें, चलें आपने क्रिस लेन को खिलाया हुआ है, क्रिस लेन या फ़खर की विकेट पहले गिरती है, आप सुहेल अख्तर को भेजें, चलें वो तो रोक रहे हैं ना आपके सामने आके, अच्छा खेल रहे हैं, इनिंग को बिल्ड कर रहे हैं, आप ऐसा कर लें। लेकिन ये तो मेरे ख्याल से सेंस नहीं बनता, आप सुहेल अख्तर को फ़खर जमान को ओपन करते हैं फिर आप सोच रहे हो कि जी फ़खर खेल रहे हैं सही और क्रिस लेन ने परफॉर्म नहीं किया। क्रिस लेन परफॉर्मेंस अपनी तो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मेरे ख्याल से जो फ़खर जमान आपकी मजबूरी है उसको ड्रॉप कर नहीं सकते और क्रिस लेन को आपको खिलाना चाहिए।
अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम आगे चलें, हफीज़ हैं इनके साथ। हफीज़ वो एक इनिंग खेल के मेरे ख्याल से चुप हो गए हैं, अब थोड़ा उस तरीके से नज़र नहीं आ रहे, समझते हैं। मलिक वाली बात हो गई, एक मैच में परफॉर्मेंस चल गई तो अब आगे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज हफीज़ के एक्सपीरियंस की बात है तो हफीज़ को परफॉर्म करना लाजमी है, बिल्कुल उनकी इंक्लूजन, जिस तरीके से वो हर मैच खेलते हुए आ रहे हैं PSL के, उनका एक्सपीरियंस और साथ में उनकी बॉलिंग, एक ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस होनी चाहिए मोहम्मद हफीज़ की, क्योंकि एक सीनियर प्लेयर हैं और लाहौर का साथ दे रहे हैं, तो उन्हें एक अच्छे तरीके से परफॉर्म करना चाहिए इस दफ़ा। अच्छा हाँ, हफीज़ जो है, मेरे ख्याल में भी हफीज़ का ये मसला है कि वो एक मैच परफॉर्म करके अब हल्के हो गए हैं मेरे ख्याल से, हालांकि बड़े सीनियर प्लेयर हैं और मतलब के लाहौर में खेल रहे हैं, उनके लिए रन करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो वहाँ पे ही मतलब के क्रिकेट खेल खेल के बड़े हुए हैं और परफॉर्म कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक वो जो मार्जिन होता है ना कि आप भाई उम्मीद रखते हैं कि भाई ये प्लेयर तो हमारा परफॉर्म करेगा ही करेगा, तो उस तरीके की परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आ रही है। और तो क्रिकेट में आप किसी से मतलब के सच एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आपने ये तो होना चाहिए ना कि अगर आपने 7 मैचेस खेल लिए हैं तो 7 में से कम से कम 3 में तो आपने इतने रन किए हों कि लोग आपको अप्रिशिएट करें। तो अब अगर आप 7 में से एक इनिंग ऐसी खेलेंगे जिसमें लोग अप्रिशिएट करेंगे तो इसका मतलब है फिर आप थोड़े से वीक पड़ गए। इसके साथ साथ फिर इनके पास हैं वन एंड ओनली बैन डंक, वन मैन आर्मी, गेम चेंजर। इनको रोकना सामने वाली टीम के लिए मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल है, और मुश्किल भी है और इन सेंस आप रोक भी सकते हैं स्मार्ट क्रिकेट खेल के। तो मेरी नज़र में यह है कि आप जो है बैन डंक, अच्छा अभी देखें आपने अगर 2 मैच की क्या कहते हैं ज़रा आप पीछे देखें तो लाहौर क्या कहते हैं कि इन्होंने कराची के खिलाफ सेंचुरी करी है, वो मतलब के क्लोज बिल्कुल, हाँ 99 बिल्कुल क्लोज, और फिर दूसरा इस्लामाबाद के। अच्छा दोनों के पास क्या कहते हैं, दोनों ने लेग स्पिनर का बड़ा यूज़ किया। अब कराची के पास तो एक अनफॉर्चुनेट ये भी था कि आमिर यामीन जो हैं वो इंजर्ड हो गए थे, लेकिन उसके बाद उमर और इमाद दोनों लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर। अब जब आप लेफ्टी को लेग स्पिनर लगा देंगे तो फिर तो आपको पता है कि वो लेफ्टी उनका क्या हाल करेगा। तो इसी तरीके से इनको अगर आपने पकड़ना है तो आप ऑफ स्पिनर पर जाएँ, और ये हमने देखा है कि सामने वाली टीम में शुएब मलिक हैं जो कि उनको पकड़ सकते हैं ऑफ स्पिन करके। तो आप समझ पहले वाली बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हर कैप्टन के ऊपर डिसीजन होता है, कैप्टन किस तरीके से किस बॉलर को किस वक्त इस्तेमाल करता है, वो कैप्टन की नीड होती है और एक मैच थिंकिंग होती है एक कैप्टन की कि किस तरीके से मुझे अपनी बॉलिंग लाइनअप चलानी है। और बैन डंक की बात कर रहे हैं आप, तो आपने थोड़ी देर बोला था बैड लक से आपको लाहौर कलंदर याद आता, नहीं अब मुझे बैन डंक से लाहौर कलंदर याद आता। बिल्कुल सही, अब ये चेंज हो गया है। और बैन डंक की बबल गम तो दुनिया में मशहूर हो चुकी है, तो बैन डंक को जितना जल्दी हो सके पेशावर जलमी को आउट करना पड़ेगा। उनकी जिस तरीके की परफॉर्मेंस है और सिक्सेस उनके, तो कहाँ जा रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं होता। और कराची किंग्स के सामने उनका जो कैच भी ड्रॉप हुआ उस वजह से भी बैन डंक की वो परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी कैच था, और मतलब कि ईजी था, वो होना चाहिए था कैच, वो अगर ऐसे कैच ड्रॉप करेंगे तो फिर आप समझ लें मैच ही ड्रॉप कर रहे हैं, कैच तो ड्रॉप नहीं कर रहे वो। अच्छा बैन डंक को आपने कंट्रोल करना कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर आप उनकी लास्ट इनिंग देखें और इनिंग पे थोड़ा सा गौर करें आप देखें, क्रिस जॉर्डन ने जो उनको वाइड पे उनकी वाइड पे जो यॉर्करें मार रहे थे बॉल डॉट्स हो रही थी, इसका मतलब है वो उनको वहाँ करेंगे थोड़ा वीक हैं, वो वहाँ पे उनको बॉलिंग करें आप, वहाँ की यॉर्करें मारें, और उनको हमने कोई ऐसे छक्के नहीं देखे हमने, उन्होंने कवर पे मारे हों छक्के, आपने बहुत मुश्किल से ही देखे होंगे ऐसे छक्के, या उन्होंने क्या कहते हैं ऑफ साइड पे ही कोई छक्का मारा हो, उनके सारे छक्के आप स्ट्रेट पे देख लें या मिड ऑन पे देख लें, यहाँ थे या लेग पे भी गए चलें, इस साइड पे कोई नहीं गया तो आप उनको यहाँ पकड़ें, आप गेंद उनको यहाँ करें, ये एक पकड़ सकते हैं आप इस तरीके से उनको। दूसरा तरीका ये है आप ऑफ स्पिनर लगाएं, जाहिर सी बात है बॉल पड़ के थोड़ा सा बाहर निकलेगा वो वैसे ही एज हो जाएगा या खड़ी हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन वो जब एंगल आएगा वो उसको हिट करेंगे तो वो तो फिर समझ लें आप उनको फुल टॉस दे रहे हैं और बोल रहे हैं जहाँ आपका मर्जी जा रहा है आप छक्का मारें हम आपके साथ हैं। अच्छा ये बैन डंक भी मेरे ख्याल से खैर अब जिस किस्म की उनकी फॉर्म लग चुकी है ना अब तो आप उनको, मुझे तो लग रहा है अब आप उनको ऑफ साइड पर यॉर्कर भी देंगे ना वो वहाँ भी फेंक देंगे, हालांकि अभी तक उन्होंने फेंका नहीं है। लाजमी सी बात है बढ़ जाता है एक बंदे की जितनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद कॉन्फिडेंस लेवल तो लाजमी बढ़ता है, और पेशावर जलमी को एक स्ट्रेटजी के साथ जाना पड़ेगा बैन डंक को कहाँ बॉल करनी है, किस तरीके से उन्हें रोकना है सिक्सेस को, किस तरीके से उन्हें जल्दी से जल्दी आउट करना है। अच्छा यहाँ पे एक जो है बैन डंक के लिए यासिर शाह खेल रहे हैं सामने लेग स्पिनर हैं,
ऑल्दो मतलब के बैन डंग के हक में हैं, लेकिन यासिर शाह मतलब के आपको पता है इतने हल्के बॉलर नहीं हैं, एक्सपीरियंस बॉलर हैं और फिर उनके पास जुबली भी है। ऐसा नहीं है कि वो इतनी आसानी से क्या कहते हैं मारने देंगे बैन डंग को। ऑल्दो मतलब के उमर खान और इमाद वसीम उस लेवल के लेग स्पिनर नहीं हैं जो यासिर शाह हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ भी मुकाबला देखने का होगा। और अच्छा, इसके बाद हम अगर आगे जाएं इनकी टीम में तो स्मिथ पटेल हैं और डैन विलास हैं, ये दो भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। अच्छा, स्मिथ पटेल की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं आके, हल्के हल्के से टच से चौके मारते हैं, जान नहीं लगाते हैं ज़्यादा, मतलब कि लेग पे हल्का सा फ्लिक कर देते हैं, बीच में से कट के निकाल के चौका लगा देते हैं, अगर आपने उनकी बैटिंग देखी हो तो बड़े मज़े की बैटिंग करते हैं। और ऐसे बैट्समैन को ना पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप मतलब के एक्सपेक्ट नहीं करते, आप चाहते हैं कि उन्हें तेज़ बॉल करें वो हल्का सा कट करके चौका मार देते हैं, स्लो करते हैं तो हल्का सा फ्लिक फ्लिक करके चौका मार देते हैं, ऐसे बैट्समैन को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ख़ासकर जब ये मिडल ऑर्डर में आते हैं तो आपकी मिडल ऑर्डर एक स्ट्रॉन्ग होती जाती है, और फिर साथ में डैन विलास जो कि हैं वो भी अच्छा कभी कभी परफॉर्म कर देते हैं, तो इन दोनों अच्छा, की इंक्लूजन भी बहुत अच्छी रही है लाहौर कलंदर्स के लिए। अच्छा, इनके साथ साथ अगर हम फिर, ये तो हमने इनकी बैटिंग की बात करी, अगर सामने वाली की आप बॉलिंग की बात करें, पेशावर जलमी की वहाब रियाज बड़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, हसन को भी हमने देखा है लास्ट दो तीन मैचेस में रन कंटेंट कर रहे हैं, कम रन दे रहे हैं, जो कि पेशावर जलमी के लिए अमेजिंग चीज़ है। फिर इनके पास यासिर शाह हैं, पिछले 3-4 मैच इनको अवेलेबल हुए हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, इन कुछ की विकेट्स इनको दिलवा देते हैं, एक आती लेते हैं लेकिन की विकेट्स निकाल देते हैं। और फिर कार्लोस ब्रैथवेट हैं और लियूस ग्रॉकरी हैं, बॉलिंग इनकी इनफ है। अगर आप सामने वाली टीम को डिस्कस करते हुए इनकी बॉलिंग देखें तो उनके पास अगर देखें वही कॉम्बिनेशन आता है लेफ्टी और राइटी वाला, फ़खर जमान सिर्फ एक फ़खर और क्या कहते हैं बैन डंग, बैन डंग तो खैर बहुत बड़ा नाम है, सिर्फ तो नहीं कहूँगा मैं उनको बैन डंग और फ़खर, देखें ये दो लेफ्टी हैं और इनके पास भी क्या कहते हैं सिर्फ दो ही मेरे एक लेग स्पिनर है और फास्ट बॉलर, अगर ये मेरे ख्याल से राहत को नहीं खिलाएंगे आज का मैच, क्योंकि हसन को ही चांस देंगे, हसन वहाब और क्या कहते हैं यासिर, कार्लोस ब्रैथवेट और लियूस ग्रॉकरी, राहत की भी जगह बनती है टीम में, क्योंकि आपके पास 5 बॉलर तो आपने खिलाने ही हैं। और कार्लोस ब्रैथवेट मतलब के उस किस्म के बॉलर नहीं है जो आप उनसे मतलब के 4 ओवर करवा सकें, मेरी नज़र में आप समझते हैं कि मतलब के कार्लोस ब्रैथवेट से ये अगर खिलाएंगे उनको तो उनसे 4 ओवर के वो बॉलर हैं। नहीं, कार्लोस ब्रैथवेट की इंक्लूजन अगर आप देखें तो वो नीचे आके अच्छे सिक्सेस मारने में वो ज़्यादा बेहतर हैं, उनकी इंक्लूजन आप बैटिंग साइड से आप देख सकते हैं। बॉलिंग लाइन की आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो इतने अच्छा परफॉर्म नहीं करते बॉलिंग में, और उनकी जो मीडियम पेस है उनका काफ़ी बॉलर्स काफ़ी बैट्समैन को आसान लगता है खेलना, और बाकी ओवरऑल जो पेशावर जलमी की बॉलिंग लाइन है वो ज़्यादा बेहतर है, वहाब रियाज, हसन अली, यासिर शाह, इनकी इंक्लूजन बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो मेरे हिसाब से तो इनफ है आज के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम कहते हैं ओवरऑल दोनों टीमों की बात करें तो दोनों टीमें अपनी जगह पे बड़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर पॉइंट्स लेवल पर आप नज़र डालें तो एक टीम जो है वो दूसरे नंबर पे है, दूसरी टीम जो है वो चौथे नंबर पर है, सॉरी 5वें नंबर पे लाहौर, लेकिन लाहौर का जो पिछले 4 मैचेस से मोमेंटम बना हुआ है, 4 में से 3 मैच जीत चुके हैं पिछले 4 मैचेस में, मोमेंटम जो बना हुआ है लास्ट 2 मैच जीते हैं, मोमेंटम जो बना हुआ है बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अब एक बात वही होती है, मैं अक्सर औकात ये डिस्कस भी करता हूँ अपने गेस्ट से, एक चीज़ जब आप जीत के आ रहे होते हैं ना तो आपकी थोड़ी सी माइंड और क्या कहते हैं लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी हल्की हो जाती है, सही है अब हमने जीते हुए 2 मैचेस, हमें ज़रूरत नहीं है, बस स्टेटस मेंटेन करना है हमें। और एक टीम जब हार के आ रही होती है उसको बड़ी नीड होती है, जस्ट लाइक अब कोयटा ग्राउंड में उतरेगी तो कोयटा आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड लगेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि उनके 2 ही मैच हैं और उन्होंने लाजमी जीतने हैं दोनों के दोनों। अच्छा, जलमी के साथ ये है कि जलमी 2 हैं, जलमी का अगर जलमी 1 भी जीत जाती है तो वो प्ले ऑफ में तो आ जाएगी एटलीस्ट तो दोनों टीमें मतलब के एक उस माइंड सेट से उतरेंगी कि सही है जीतना है, लेकिन वो वाली अग्रेशन नहीं होगी, आप क्या समझते हैं ऐसा होगा? नहीं, आज आपकी बात से मैं इतफाक़ नहीं करता, क्योंकि लाहौर कलंदर्स आप बोलें जीतते तो आ रहे हैं लेकिन सारे पुराने PSL में बाहर होते हुए भी जल्दी से जल्दी आ रहे हैं, तो उनका एग्रेशन वही रहेगा और कोशिश भी यही होनी चाहिए, क्योंकि क्वालिफायर्स के लिए उनको पहुंचना है इस दफ़ा, अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और बाकी मैचेस भी आने वाले जीतते हैं तो वो क्वालिफायर्स में अपनी जगह बना लेंगे, तो लाहौर कलंदर्स तो अपनी एग्रेशन के साथ ही उतरेगा और साथ में पेशावर को भी जीतना लाजमी है,
क्योंकि उनका नेट रन रेट जो कॉन्स्टेबल पर चल रहा है उतना खास है नहीं, तो शायद उनको कोई डिफ़िकल्टी फेज आए। लेकिन बाकी लाहौर कलंदर्स तो कोशिश पूरी करेगी अपनी आज का मैच जीतने में। टू दी पॉइंट, आज का मैच कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से लाहौर कलंदर्स जीत जाएगा आज। नहीं जी, मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ, आज पेशावर जीतेगा। और आज का मैन ऑफ द मैच कौन है, बैट्समैन या बॉलर? बैट्समैन। बैट्समैन चलें, ये मुझे भी लगता है कि आज का जो मैन ऑफ द मैच है वो बैट्समैन ही होगा। अच्छा, ये तो आज का मैच था। अच्छा, ओवरऑल अगर हम पॉइंट्स टेबल पर अगर एक थोड़ी सी नज़र डाल लें, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें। पहले पे मुल्तान सुल्तान है 11 पॉइंट्स के साथ, दूसरे पे पेशावर जलमी है 9 पॉइंट्स के साथ, तीसरे और चौथे पे इस्लामाबाद और केके हैं कराची किंग्स मतलब के 7-7 पॉइंट्स के साथ, फिर लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लेडिएटर्स पाँचवें और छठे नंबर पर हैं 6-6 पॉइंट्स के साथ। पॉइंट्स टेबल को देखते हुए पेशावर जो है वो सेकंड पे है और लाहौर जो है वो पांचवें नंबर पे है, तो इसका भी इफेक्ट कुछ पड़ेगा टीम पे या मतलब कि क्रिकेट होगी अच्छी? नहीं, क्रिकेट लाजमी होगी अच्छी, क्योंकि जिस तरीके के पुराने मैचेस भी देखते आ रहे हैं, अनप्रडिक्टेबल सा टूर्नामेंट है, किसी को कुछ समझ आ नहीं रहा, तो पॉइंट्स टेबल पर इतना असर तो पड़ेगा नहीं। तो अच्छा, आपको पॉइंट्स टेबल देख के मायूसी हो रही है कुछ? काफ़ी मायूसी हो रही है, इस्लामाबाद और क्वेटा को देख के बहुत मायूसी हो रही हूँ। अच्छा, मैं सिर्फ क्या कहते हैं इस्लामाबाद को देख के मुझे बड़ी मायूसी होती है, फिर इस्लामाबाद अगर नीचे होती है तो फिर शायद आपका चेहरा सामने आ जाता है, वो जिस तरीके से एफर्ट कर रहे हैं और फिर लास्ट दो मैचेस वो जिस अनफॉर्चुनेट तरीके से हार रहे हैं, मतलब कि वो उनका बनता नहीं था हारना, वो मुझे लग रहा है कि उनको हराया गया है। और उसके अलावा लाहौर और कराची किंग्स की परफॉर्मेंस से अभी तक मुतमईन है आप? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बाकी पीएसएल से तो अच्छी है, कराची से ज़्यादा मुझे इस दफ़ा की लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस अच्छी लग रही। अच्छा, मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस? मुल्तान सुल्तान तो पता नहीं कहाँ इस दफ़ा आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, वो शायद बॉटम में जाने के बाद टॉप चला गया, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस है काफ़ी। और इसके साथ साथ फिर हम क्वेटा ग्लेडिएटर्स की बात कर लेते हैं सबसे लास्ट में हम। टीम अच्छी है लेकिन इस साल मेरे ख्याल से वो कॉम्बिनेशन इनके पास बन नहीं पाया, या आप समझते हैं उमर अकमल के जाने से इनको फ़र्क पड़ा है? नहीं, मेरे उमर अकबर के जाने से जो कोई ऐसी खास वजह नहीं थी, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया इस वजह से क्योंकि उनकी डिसीजन मेकिंग पावर शायद इस दफ़ा लेस हो गई है, तो जिस तरीके की वो बाकी सरफराज अहमद है, मोइन खान वहाँ मौजूद है मैनेजमेंट में, तो उनकी वो मैनेजमेंट की कम्युनिकेशन ज़्यादा बैठी नहीं इस दफ़ा, इस वजह से उनको ये फेस करना पड़ रहा है। अच्छा, इस दफ़ा इस्लामाबाद और क्वेटा बाहर हो रही है आपकी ख्याल में? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो यही होगा। अच्छा जी, हमें भी मतलब के बड़े दबे दिल से ये बोलना पड़ रहा है कि इस बार लग तो यही रहा है कि इस्लामाबाद और क्वेटा बाहर होंगी दोनों, जो कि दोनों ही एक दो दफ़ा की चैंपियन है, एक दो दफ़ा टाइटल जीत चुकी है और एक एक दफ़ा टाइटल जीत चुकी है, ये दोनों ही इस दफ़ा बाहर होती हुई नज़र आ रही हैं। आज के आपने डिस्कशन देखी, डिस्कस किया पेशावर जलमी और लाहौर कलंदर के मैच को जो कि आज होने वाला है लाहौर में। बाकी फैन से यही गुजारिश है, आएँ अपने फेवरेट टीम को सपोर्ट करें, पीएसएल को सपोर्ट करें, और पाकिस्तान में क्रिकेट जो इस तरीके से फैल रही है, और खुशाइन बात है कि दोबारा पाकिस्तान में क्रिकेट आई और फिर लोग भी आ रहे हैं बड़े देखने उसको। तो आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।